हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कृष्ण का किरदार निभाकर मशहूर होने वाले एक्टर सुमेत के आज लाखों फैंस हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सुमेत की लाइफस्टाइल के बारे में। साल 2023 में उनका रियल एज कितना है, उनके फैमिली में कौन कौन है, उनकी शादी हो गई है या फिर वो कोई रिलेशनशिप में है, उनकी सैलरी कितनी है और उनकी अभी तक बैंक बैलेंस कितनी है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है सुमेत वासुदेव मदगलकर। उनका निकनेम है सुमा और बिटकिंग। 2 नवंबर 1996 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है पुणे, महाराष्ट्र। उनका हाइट है 5 फीट 6 इंच और उनका वेट है 60 kg। उनकी फिगर मेजरमेंट है चेस्ट 40 इंचेस, बाइसेप्स 12 इंचेस और उनकी वेस्ट है 32 इंचेस। उनकी जोडाइक साइन है स्कॉर्पियो। साल 2023 में उनका रियल एज है 27। उनकी हॉबी है डांसिंग, ट्रैवलिंग और सिंगिंग। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने पुणे की सिंहाद स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने पुणे की महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की है। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। आपको बता दें कि बचपन से ही सुमेत को डांसिंग और एक्टिंग की बड़ा शौक था। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक डांसर और एक्टर है। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। आपको बता दें 15 साल की उम्र में सुमेत ने डांस महाराष्ट्र डांस में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर वो रनर अप आए थे। सुमेत ने चैनल वी की शो दिल दोस्ती डांस के साथ ही टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था, जहां पर उन्होंने राघव का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि सुमेत डांस इंडिया डांस रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके बाद सुमेत चक्रवर्ती अशोक का सम्राट में युवराज सुशीम के किरदार में नजर आए थे। रियलिटी शोज की बात की जाए तो साल 2017 और साल 2019 में उन्होंने झलक दिखलाजा सीजन 9 और नचपली में अपना स्पेशल अपीयरेंस दिया था। सुमेत की पॉपुलैरिटी दुगनी हो गई थी कि जब उन्होंने राधा कृष्ण सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था। साल 2019 में उन्होंने जग जननी माँ वैष्णो देवी में अपना वॉइस ओवर किया था। साल 2021 में उन्होंने जय कन्हैया लाल की सीरियल में भगवान विष्णु का किरदार निभाया था। फिलहाल वो आली बाबा एक अंदाज अनदेखा सीरियल में हातिम का किरदार निभा रहे हैं। साल 2014 में स्वयं मूवी के साथ उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके बाद साल 2016 में वो मराठी फिल्म वेंटिलेटर में नजर आए थे। साल 2017 की मूवी मांझा में उन्हें पहली बार लीड एक्टर के तौर पर देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने विकी का किरदार निभाया था। साल 2018 में उन्होंने बकेट लिस्ट मूवी में सलील का किरदार निभाया था। साल 2021 में उन्होंने मराठी फिल्म मन यदागत जला में काम करना शुरू किया था। टीवी सीरियल्स और मूवीज के अलावा उन्होंने एस्केप लाइफ वेब सीरीज के साथ डिजिटल इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। साल 2023 में सुमेत ने मेरे पास तुम रहो एल्बम के साथ अपनी सिंगिंग डेब्यू दिया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। साल 2019 में बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स दिया गया था। ठीक उसी साल ही बेस्ट डेब्यू एक्टर की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड्स दिया गया था। साल 2023 में द फैन फेवरेट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है।
उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो हिंदू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम है वासुदेव मदगलकर, उनका माँ का नाम है वसंती मदगलकर, उनका दो भाई है जिनका नाम है संकेत और समीरन। उनकी पर्सनल अफेयर्स के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी को एक्ट्रेस मल्लिका सिंह को डेट कर रहे थे, हालांकि इस बारे में दोनों ने ही कभी भी मीडिया के सामने खुलकर बात नहीं की। आपको बता दें, सुमित ने कई सालों तक तुंश शर्मा को भी डेट किया था। फिलहाल वो सिंगल है और किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पर एपिसोड के लिए वो 85,000 रुपीस लेते हैं। उनका नेट वर्थ है 28 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार्ड कलेक्शन। उनके पास श्रीयम बॉनविल बॉबर बाइक है जिसका कीमत है 12 लाख। उनके पास 2021 किया सोल मॉडल की कार है जिसका कीमत है 10 लाख। अब मैं आप लोग को बताऊंगी सुमित से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। सुमित सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि वो बहुत ही अच्छे डांसर और कोरियोग्राफर भी है। उन्होंने डांस इंडिया डांस और डांस के सुपर किड्स में अपने डांस के हुनर भी दिखाए थे जो फैंस को बेहद पसंद आए थे। डांसिंग के अलावा वो मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ही ट्रेंड है, यहाँ तक कि उन्हें ब्लैक बेल्ट भी मिल चुकी है। वो कई बार अपनी मार्शल आर्ट्स की फॉर्म अपने डांस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सुमित की एक हिडन टैलेंट भी है और वो है स्केचिंग, यहाँ तक कि वो अपनी पेंसिल स्केचिंग की तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करते हैं। सुमित को बुक पढ़ना बेहद पसंद है, उन्हें लगता है कि बुक्स पढ़ने से उनकी नॉलेज दुगनी होती है, यहाँ तक कि वो अपने एक्टिंग की रोल्स को भी इम्प्रूव करने के लिए स्पिरिचुअलिटी माइथोलॉजी और हिस्ट्री से जुड़ी बुक्स पढ़ते हैं। सुमित मेंटली अपने आप को फिट रखने के लिए हर रोज योगा और मेडिटेशन करते हैं। उनका मानना है योगा और मेडिटेशन उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ही मदद करती है। इन सारी चीज़ों के अलावा सुमित को म्यूजिक में भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट है। उन्हें सिर्फ गाना सुनना ही नहीं बल्कि उन्हें गाना गाना भी बेहद पसंद है। वो अक्सर अपने गाने की वीडियोस अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। सुमित अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए हर रोज जिम जाते हैं और एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।